समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूपी मिशन को लेकर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी सीटों पर हरा देंगे। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। वोट की जरूरत होने पर वे वादे करते हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। कोई भी वादा जो बीजेपी ने चुनाव से पहले किया था वह पूरा नहीं हुआ है। एक मंच पर आएंगे कई मुख्यमंत्री। इसी एक दिन पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस और कई अन्य पार्टियों को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। कई राज्यों के सीएम एक गठबंधन के लिए प्रयास कर रहे हैं जो एक साथ काम करेगा। अखिलेश ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कोशिश कर रहे हैं, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन कोशिश कर रहे हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं। गठबंधन के लिए नाम पर चर्चा बाद में की जाएगी। महंगाई और बेरोजगारी बनेगी बड़ा मुद्दा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आप इसे तीसरा मोर्चा या गठबंधन कह सकते हैं, लेकिन ये सवाल नहीं है। मुख्य मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का है। युवा बिना नौकरी के घूम रहे हैं, किसानों का जीवन नष्ट हो गया है। भाजपा सपने दिखा रही है, लेकिन युवाओं को नौकरी कब मिलेगी? सपा प्रमुख कोलकाता में पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद बोल रहे थे। बैठक के दौरान पार्टी ने 3 हिंदी राज्यों में से इस साल के अंत और अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए नीतियों और रणनीतियों पर चर्चा की। बैठक में अखिलेश यादव के साथ पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव, सांसद जया बच्चन, 20 राज्यों की राज्य इकाई के प्रमुख और कई अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 11 साल के अंतराल के बाद कोलकाता में हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।